नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। मैं इस तरह डर डर के नहीं जी सकती। आपको माफिया चाहिए या मैं फैसला कर लूं? माफिया छोड़ दूंगा तो वो मुझे जीने नहीं देंगे, इसलिए अपनी बेटी को लेकर दुबई जा रहा हूं। बग्गा, तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा खात्मा करने के लिए खुद अपनी बेटी को तैयार करूंगा मैं। तेरी माँ भी जिंदा है बेटी, तू मुझे छोड़कर कहीं चली ना जाए, इसलिए मैंने तुझे तेरी माँ के बारे में नहीं बताया। जा बेटी, अपनी माँ से मिल ले। तुम इतनी बड़ी नौकरी करती हो, सुनकर बहुत खुशी हुई बेटी। चिंता मत करो माँ, मैं आती जाती रहूंगी और जल्दी ही अपना ट्रांसफर यहाँ करवा लूंगी। मैडम, माँ जी को कैंसर बताया डॉक्टर ने। सॉरी मैडम, इस सिचुएशन में आप इन्हें कहीं भी ले जाए कोई फायदा नहीं। दवाइयां इन्हें कब तक जिंदा रखेंगी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करें तो अच्छा है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ बेटी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है माँ, मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। तो बहुत खुशी की बात है। काका, जब तक माँ यहाँ है डील यहीं करेंगे, अरेंजमेंट कर दो। ठीक है बेटी। दुबई माफिया का इसको तो किंग बनाना चाहता था, उस लड़की के हाथों इस तरह मरेगा सोचा नहीं था। शांत हो जाओ, तुम्हारे दुखी होने से जाने वाला वापस नहीं आने वाला है। ए, इसको इधर घुमाओ। जी जा। मैं यहाँ बैठा हूँ, उधर किससे बातें कर रहा है? मोतियाबंद समझ कर ऑपरेशन करवाने गए रहे, आपका भाई की मौत की खबर सुनकर बीच में उठकर आ गए। जीजा सुनो, मेरी आंखें हो या ना हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ जीजा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसे पकड़कर मारकर आपके सामने डाल दूंगा। हाँ। मुझे उसकी लाश नहीं चाहिए। हा? मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए। तड़पा तड़पा के मारूंगा उसे, तब जाकर शांति मिलेगी मुझे। नमस्ते मैडम। घर कैसा लगा माँ? बहुत अच्छा है बेटी। ये सब अपने ही लोग हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं। माँ जी को शक ना हो इसलिए ये सब यहाँ नौकर बनकर रहेंगे। अबे सुन, भक्ति करने वाला इंसान भगवान की तस्वीर अपने वॉलपेपर पर रखता है, और हम जवान लड़के अनुष्का या प्रियंका की तस्वीर को वॉलपेपर पर लगाते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी इस गेंडे की शक्ल को हमें अपने वॉलपेपर पर लगाना पड़ रहा है। क्या दिन आ गए यार। ये क्या है? आपकी कॉफी सर। अब इसे कुत्ता बनकर चाटू क्या? ए, मेरे ऑफिस में C++ सीखने से कुछ नहीं होगा। ऑफिस के मैनर्स तो आते नहीं है, चला आया है काम करने। हो गया शुरू। दिया और बाती के सूरज को देखकर उससे कुछ सीखो, काम कैसे किया जाता है। तुम तो बस मुर्दों की बस्ती में रहने लायक हो, सड़क के कुत्तों से कटवाने लायक हो, सड़क के किनारे खुली हुई गटर में डूब मरो जाओ। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। अबे मैंने तुझे आशीर्वाद कब दिया? मैं तेरे जैसे आदमी के मुंह नहीं लगता, जा किसी और को भेज। बकासुर को जैसे रोज बलि मिलती थी ना, वैसे आज इसे बलि मिलने वाली है। सर, बॉस ने आपको बुलाया है। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया है? FIR सीरियल के कांस्टेबल गोपी की तरह मक्खन मत लगा। बैठ जा और बता, LNT प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ सर। और वो होने वाला भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुम काम करना चाहते नहीं, दिन भर कैंटीन में बैठकर सिगरेट पीनी है और मस्ती करनी है।
काम कहाँ से होगा। मैं इस मैंगो को एप्पल के साइज तक ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग मैंगो को सुखा कर बेर बनाने पे तुले हुए हो। आपका काम मैंने कभी इग्नोर नहीं किया सर, लेकिन जिस प्रोजेक्ट को एक महीना लगता है वो 10 दिन में कैसे पूरा होगा सर। सुबह जल्दी घर से निकलता हूँ तो आधी रात को ही घर पहुँचता हूँ सर। 10 दिन से सूरज निकलते नहीं देखा सर। तो फिर आज से तुम चंद्रमा को देखना छोड़ दो सर। सूर्य चंद्र को नहीं देखोगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, काम पूरा नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा। आप खुद ही देख लीजिए सर, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तू बैठ जा, तुझे मैंने कहा गेट आउट। सॉरी, तू बैठ जा, तू बाहर जा। ओके बॉस, चुपचाप बैठ जा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नेक्स्ट एपिसोड के कंप्लीट होने तक ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट चाहिए। अरे मार्केट में क्या चल रहा है उसे देखकर अपडेट हो जा यार। कल तक कैसे पूरा होगा यार, टॉर्चर पर टॉर्चर कर रहा है और अपडेट होने की सलाह भी दे रहा है। पहले खुद को तो अपडेट कर ले। एक बार मैंने व्हाट्सएप के बारे में बात की तो फेसबुक के बारे में बात करने लगा, उसके ऊपर एक ही भूत सवार है, सीरियल सीरियल। राजा के 500 करोड़ अलीफा टावर के प्रोजेक्ट को मैं और मेरा पार्टनर माइकल स्टार्ट किया मैडम। अब मेरा पार्टनर ने दूसरे लोगों से हाथ मिला लिया, अब इस प्रोजेक्ट को उसको हैंडओवर करना होगा, नहीं करूंगा तो मेरे को मार देगा, वार्निंग दिया। डोंट वरी, आई एम डूइंग दिस डील। हैं? ये क्या किया, दिखाई नहीं देता क्या, ऐसे क्या देख रही है तू? एक तो कार डैमेज कर दी, ऊपर से आंखें दिखा रही है। हेलो, क्या हेलो? स्क्रैच भी नहीं आया, पेंट करवा देंगे। मतलब तुम्हारे पेंट करवाने तक मुझे इंतजार करना होगा और तब तक मैं ऑटो में सफर करूं? बोला ना पेंट करवा देंगे, शांत रहे। क्यों शांत रहूं मैं लापतागंज के मुकुंदी लाल की तरह लल्लू नहीं हूँ, फुलवा सीरियल के बड़े ठाकुर की तरह खूंखार हूँ। मेरा नाम सिंहराज सिंह है, सुना सिंहराज? नहीं मत सर, कार में मैडम की माँ बैठी हुई है। तेरे मेरे सपने सीरियल की माँ जैसे दिखने वाली बुढ़िया को देखकर चिल्लाना छोड़ दूं क्या? सर गाड़ी में पेशेंट है सर। पेशेंट है तो मैं क्या करूँ, उसे घर में बिठाओ, इस तरह कार में बिठा कर शहर में घुमाओगे क्या? डर्टी ओल्ड पीपल। मैडम कंट्रोल, मैडम बहुत पक चुका ये। उसे हम देख लेते हैं, आप प्लीज कार में बैठिए। सर मेरी बात क्या बात है, उसने कुछ इशारा किया और तू हिलता डुलता यहाँ चला आया, वो अपने को झांसी की रानी समझती है क्या? प्लीज सर, हम यही पास में रहते हैं, आप चलिए हमारे साथ, दूसरी कार दे देते हैं आपको, जब तक आपकी कार ठीक नहीं होती हमारी कार यूज कर लीजिए। सफेद कार देखकर चुपचाप ले रहा हूँ, फिर ऐसा किया ना तो बांध कर मारूंगा। कार में निशान पड़े चिल्लाए तो मेरे शरीर पर ही निशान बना डाले, मेरे पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, सुन लो तुम सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। ए, बेल्ट से मेरी चमड़ी उधेड़ दी, याद रखना मैं तुम्हारी खाल से अपनी बेल्ट बनवाऊंगा। दिखने में तो बेवकूफ लगता है पर बातें डसने वाली करता है, कौन सी बड़ी तोप है तेरी? मेरी तोप का नाम काका। काका? 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 मैं तो तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था, तुम तो खुद ही यहाँ चले आए। उसके हाथ खोलो। ये देखो काका, BMW कार का लालच देकर पागल कुत्ते की तरह मुझे मारा है काका। काका इसने मुझे बेल्ट से मारा, इसने मुझे डंडे से मारा, इसने मुझे 14 डंडे मारे काका, और इसने काका इन गुंडों की सरदार यही लड़की है, इसे जान से मार डालो काका। मुंह बंद कर, तू जानता हो कौन है? मैडम माफ कर दो मैडम, आप लेडी बादशाह हो, ये जाने बिना मेरे मुंह में जो आया बकता चला गया। कार पर तो सिर्फ 2 स्क्रैच आए थे, लेकिन मैंने उससे गहरे स्क्रैच आपके दिल पर बना दिए मैडम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम। काका छोड़ दो इसे। ठीक है बेटी, सुन राजा राम, तू मुझे जानता है इसलिए जिंदा वापस जा रहा है, यहाँ की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गया, अपनी उंगली को काबू में रखना चाहिए और मुंह को खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चलता हूँ काका, राम राम। ये मेकअप किस लिए काका? ये तू नहीं समझेगा, रोज तुम्हें बोलना पड़ता है, उस पौधे में थोड़ा ज्यादा पानी डाला कर। अच्छा माजी। माजी? हाँ? चलता हूँ माजी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा जो नुकसान हुआ था वो मिल गया ना? सूद के साथ मिला है माजी, ससुराल सिमर के सीरियल के जैसी, जिसकी अच्छी बेटी हो। आपकी बेटी बड़े दयालु है माजी। माजी ऐसा सेटलमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा माजी, मेरा मेकअप भी फ्री में हो गया। तुम्हारा चेहरा देखने से ही पता चल रहा है बेटा कि तुम कितने ज्यादा खुश हो, आते रहना। मेरे चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है माजी, वो सब मेकअप का कमाल है।
ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।